हेलो गाइस, आपका स्वागत है घर की रसोई बाय रेखा में। आज मैं आंवले का अचार बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1/2 kg आंवला ले लिया है और कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। गैस को ऑन कर देंगे और इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे, चलनी को रख देंगे और इसमें आंवला को रख देंगे और 10 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। आंवला को पकते हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, अब खोल कर देखेंगे। देखिए आंवला पक चुका है और इसकी फाकें अलग हो रही हैं, तो अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई से आंवला को निकाल लेंगे। अब आंवला से गुठली को निकाल लेंगे इस तरह से। बड़े आराम से निकल जाता है गुठली, कली कली अलग हो जाएगी। इस तरह से सभी आंवलों से गुठली को निकाल लेंगे। आंवला को गुठली से निकाल कर ले लिया है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं और मसाला तैयार करते हैं अचार के लिए। गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और गैस भी ऑन है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे जिससे मसाला जलने ना पाए। अब डालेंगे इसमें 4 चम्मच सौंफ। सौंफ को हल्का सा भूनेंगे। देखिए सौंफ तैयार हो चुका है, भुन चुका है, इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसे निकाल लेंगे। अब डालेंगे जीरा इसमें। सौंफ मैंने 4 चम्मच लिया था, जीरा 3 चम्मच है। जीरा हल्का भुन चुका है तो इसी में डाल देंगे। 1/2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कलौंजी। खुशबू आने तक भूनना है मसालों को। इसी में 1/2 चम्मच मेथी डालेंगे और भून लेंगे सबको। जीरा भून चुका है, इसे भी निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब मसालों को पीस लेंगे। एक चम्मच राई डालेंगे, 1 कटोरी पीली सरसों डालेंगे इसमें और पीस लेते हैं। गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और गैस भी ऑन है। इसमें अब डालेंगे सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल है 250 ml। तेल को गरम करेंगे। तेल को गरम करने से क्या होगा कि इसकी स्मेल निकल जाएगी और अचार खराब नहीं होगा। देखिए तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हींग। अचार में हींग का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है, हींग डालने से टेस्ट बढ़ जाता है अचार का। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे हल्दी 3 चम्मच। तेल के साथ हल्दी पक जाएगी तो इसका कच्चापन नहीं आएगा अचार में। साथ ही डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, खूब भर कर डालेंगे। इससे अचार में कलर बहुत अच्छा आएगा। अब डालेंगे पिसा हुआ मसाला। देखिए मैंने दरदरा ही पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। अचार में दरदरा मसाला ही अच्छा होता है, थोड़ा मोटा रहता है तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मिला देंगे। अब डालेंगे इसमें नमक। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 4 चम्मच नमक डाल रहे हैं।
और ये चिली फ्लेक्स 2 चम्मच, इससे अचार चटपटा बनेगा। अब डालेंगे आंवला, मिला देंगे अच्छे से। आंवला का अचार बहुत अच्छा बनता है, आप भी बनाइएगा इस तरह से। वैसे तो ये तुरंत खाने लायक हो जाता है, लेकिन 3-4 दिन धूप में रख दीजिए तो बहुत ही टेस्टी हो जाता है। कुछ बातों का ध्यान अगर आप रखेंगी तो अचार कभी ख़राब नहीं होगा। जैसे गीले हाथ से अचार को कभी ना छुएं, डेली यूज के लिए छोटे जार में अचार को रखें और बीच बीच में धूप दिखाती रहेंगी तो अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तेल गर्म होने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था और फिर बाद में मसाले और आंवला को मिलाया था। लीजिए, हमारा आंवले का अचार बनकर तैयार है। और इस सर्दियों में आप भी बनाएं, एंजॉय करें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।